वेलकम बैक। आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए आज की हिंदी क्लास में हम कौन सी कक्षा के लिए, पांचवी कक्षा के लिए तोते का जन्मदिन क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। तोते का जन्मदिन एक तीसरा पाठ है। ये क्या है बच्चों, तीसरा पाठ है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, देश हमारा और टिल्लू का भुट्टा हम अभ्यास कर चुके हैं। और यहाँ पर तोते के जन्मदिन को लेकर भाव वन में भी हम अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो बताइए यहाँ पर क्या चल रहा था इस पाठ में। जन्मदिन के आप जानते हैं बर्थडे, क्या है बर्थडे। तो यहाँ पर किसका बर्थडे मनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसका अध्ययन कर चुके हैं ना बच्चों। तो क्या होता है, यहाँ पर एक बगीचा होता है और बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, बेर, तरह तरह के पेड़ वहाँ पर बगीचे में रहते हैं। उन पेड़ों पर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे जहाँ पर पक्षी रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, वे पक्षी सारे पेड़ों के फल खाकर क्या करते थे, मीठे गीत गाते इधर उधर उधर इधर घूमते रहते। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, आम के पेड़ पर भी क्या था, बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। आम के पेड़ में एक जोड़ा रहता था, कौन सा, तोता और तोती का। आम के तने में एक कोटर था, उसमें कौन रहते थे बच्चों, तोता और एक तोती, है ना। तो वहां पर बसंत ऋतु बीत चुकी थी, बसंत ऋतु क्या हो चुकी थी बच्चों, बीत चुकी थी और गर्मी का मौसम आ गया था, है ना। तो वहां पर क्या होते हैं, पेड़ों पर आम क्या हो रहे थे, खट्टे मीठे आम लगे हुए रहते हैं। तो एकदम से क्या हो जाता है वहां पर, तोता तोती अपने क्वार्टर में बैठे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। क्या बातें करने लगते हैं वे दोनों बातें करते रहते हैं। तो अचानक से तोते के मन में क्या आ जाता है, एक यानी कि देखिए जैसे कि एक आइडिया आ जाती है। क्या तोता क्या कहता है, आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है ना बच्चों, आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, पेड़ों पर भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं और मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, क्यों ना हम मेरी जन्मदिन पर हम सभी पक्षियों को इनवाइट करें और सभी पक्षी मिलकर हम क्या करें, मौज मस्तियां मनाएंगे। इस तरह तोता सोचता रहता है और सोचकर क्या कहता है, तोते से कहता है। तो तोती भी क्या करती है बच्चों, वहां पर उसकी बात पर सम्मति होकर कहती है, हाँ क्यों ना हम सभी मित्रों को यहाँ पर बर्थडे के लिए इनवाइट करें और उन्हें मीठे फल भी खाने के लिए मिलेंगे, अच्छी हमारी दावत भी होगी हमारे यहाँ। इस तरह दोनों क्या करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। जिस तरह जब भी आपका बर्थडे आता है तो आप प्लान करते हो ना बच्चों, हम क्या करेंगे, हम नए कपड़े लाएंगे, बहुत सारे चॉकलेट्स लाएंगे, केक लाएंगे, सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, है ना। तो इस तरह से प्लान करते हो ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी तोता तोती क्या करते हैं, तोते के जन्मदिन पर जन्मदिन के लिए प्लान करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम आगे बढ़ना है, सबको क्या करना है, अपनी अपनी किताबें निकालनी है। क्या करना है, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालना है और पेज नंबर 14। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में तोती क्या कहती है, हाँ क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। तो
तोती तोते की बात पर सहमति होकर कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी मित्र को बुलाएंगे, मीठे फल खाएंगे और उनकी अच्छी दावत भी हो जाएगी, इस तरह कहती है। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लान सक्सेस हो जाता है। फिर तोता क्या करता है, वहां पर अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। तो जन्मदिन पर सभी पक्षियों को इनवाइट करता है, सभी मित्रों को इनवाइट करता है। कोयल बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। तो कोयल क्या कहती है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। तो देखिए वहां पर सभी पक्षियों को एक एक करके सभी को उनका उनका काम सौंपा जाता है, यानी कि वर्क सॉर्ट आउट किया जाता है। तो कोयल कहती है, सभी पक्षियों को इनवाइट करते हैं, तो वहां पर कोयल क्या बोलती है, कोयल कहती है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्या करूंगी, गाना गाऊंगी। तो गाना गाऊंगी कहती है, गाना यानी कि सॉन्ग, गाना सॉन्ग। तो कोयल कहती है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्या करूंगी, गाना गाऊंगी। मोर बोला, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। मोर क्या कहता है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नाचूंगा। मोर पीकॉक। फिर देखिए वहां पर मैना और गौरैया बोली, मैना और गौरैया दोनों बोल उठती हैं। क्या बोल उठती हैं वहां पर, मोर कहता है मैं नाचूंगा, कोयल कहती है मैं गाऊंगी, और मैना गौरैया क्या कहते हैं, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। जहां पर पार्टी होती रहती है उस जगह को हम क्या करेंगे, क्लीन, साफ करेंगे, इस तरह मैना और गौरैया कहते हैं। तो यहाँ पर कोयल गाना गाने से गाना गाने का कहती है, मोर नाचने का कहता है, मैना और गौरैया क्या करते हैं, दोनों बैठने की जगह यानी कि जहां पर अरेंजमेंट किया जाता है उस जगह को हम क्या करेंगे, सफाई करेंगे, इस तरह कहते हैं। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। तो सुबह सुबह यानी कि जिस दिन तोते का जन्म रहता है उस दिन सुबह सुबह गौरैया और मैना दोनों क्या करते हैं, सुबह सुबह तोते के घर आ जाते हैं। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी। उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे, गौरैया यानी कि स्पैरो, जिसे हम स्पैरो कहते हैं। तो उन्होंने यानी कि मैना और गौरैया ने दोनों मिलकर क्या किया, पेड़ के नीचे सफाई कर दी। सफाई यानी कि क्लीन, सफाई क्लीन। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, जहां पर पार्टी रहती है उस जगह को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं उस जगह की। फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। फिर वे क्या करते हैं, पत्तों से और फूलों से उस जगह को सजा देते हैं, यानी कि डेकोरेट कर देते हैं। पत्ते यानी कि लीव्स, फूलों से पूरी जगह को क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। सजाना डेकोरेशन करना, डेकोरेट करना, उस जगह को पत्तों से और फूलों से क्या करते हैं, सफाई करके उस जगह को सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। तोते और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए। तोता और तोती दोनों मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारे फलों को इकट्ठे कर देते हैं। इकट्ठे करना कूड़ी हम, तो वहां पर तोता और तोती दोनों क्या करते हैं, बहुत सारे फलों को इकट्ठे किए। मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर, ये सभी क्या है मतलब बच्चा, ये सभी फलों के नाम हैं। तो इन सभी फलों को उन्होंने क्या किया, वहां पर इकट्ठा किया। तो देखिए तोते ने खीर बना ली, तोते ने खीर बनाई। तो यहाँ पर राइस फड्डी बोलते हैं ना, खीर यानी के राइस फड्डी।
तो तोती क्या करती है? तोता तोती दोनों मिलकर बहुत सारे फलों को वहां पर इकट्ठे कर देते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, खट्टे मीठे अंगूर और बेर, ये सभी इकट्ठे करते हैं। और तोती क्या करती है? खीर बनाती है। तोती क्या करती है? खीर को बनाती है। सब तैयारियां हो गई, सभी तैयारियां यानी कि जन्मदिन की पार्टी के लिए जो जो भी चाहिए था वे सभी तैयारियां वहां पर हो गई। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। सभी पक्षी क्या करते हैं? तोते के जन्मदिन पर आ जाते हैं। वहां पर एक पेड़ रहता है आम का, उस पेड़ पर कौन बैठा था? कौवा बैठा हुआ रहता था डाल पर, यानी के ब्रांचेस, डाल यानी के ब्रांच। तो डाल पर कौन बैठा था? एक कौवा रहता था या बैठा था। वह बार बार झांक कर देख रहा था। कौवा क्या कर रहा था? बार बार झांक कर देख रहा था। कहां देख रहा था? जहां पर पार्टी चल रही थी उस जगह को देख रहा। सभी पक्षियां वहां पर इकट्ठे हो गए थे सिवाय कौवे के। कौवा डाल पर रहता, डाल पर बैठा क्या कर रहा था? वहां पर चलने वाली पार्टी को झांक झांक कर देख रहा था। तभी सब पक्षी जन्मदिन की दावत खाने आने लगे। तभी क्या होता है वहां पर, जब कौवा डाल पर बैठा हुआ झांक झांक कर देख रहा था तो वहां पर क्या होता है, सभी पक्षी जन्मदिन की दावत के लिए आने लगे, खाने आने लगे, यानी कि दावत को सेलिब्रेट करने के लिए आने लगे। पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और उसके बाद गौरैया। पहले कौन आए? कोयल। कोयल यानी कि कुकू। तो पहले कौन आया? कोयल आ गई, फिर उसके बाद मोर आ गया, तो उसके बाद मैना और गौरैया आ गए। ये सभी क्या थे? तोते के फ्रेंड्स थे। कोयल, मैना, गौरैया, हाँ ये सभी क्या है? तोते के फ्रेंड्स जो क्या कर रहे हैं, जन्मदिन की पार्टी पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कौवा कौ कौ मैं भी हूँ। तो सभी पक्षियों को इकट्ठे देखकर कौवा क्या करता है? कौवा कहता है काऊ काऊ मैं भी हूँ। तो उन सभी पक्षियों से कहता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। तो आगे देखिए यहाँ पर तोती, तोती क्या कहती है? तोता तोते क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? तो तोती से, तोती को पूछता है तोता, तो क्या कहता है तोती? तोते क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? तोती तोते से पूछती है क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है। वह कौन है? हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी यानी के नेबर, पड़ोसी नेबर यानी के घर के आसपास रहने वाला है ना। कौवा क्या है? इनका पड़ोसी है। किनका? तोते और तोती का। ओके, तो यहाँ पर उसको इनवाइट नहीं किया जाता है, क्यों? तो देखिए क्यों इनवाइट नहीं किया गया है उसे। तोती तोते का, तोते क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है, इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुला लो। तो तोती तोते से कहती है वह हमारा पड़ोसी है, उसे क्यों नहीं बुलाया? उसे भी इस पार्टी के लिए इनवाइट करो, उसे भी बुला लो, इस तरह कहती है। फिर तोता क्या कहता है? नहीं। तोता तोती से कहता है नहीं, कौवा किसी की मदद नहीं करता, कौवा किसी की मदद नहीं करता, काऊ काऊ की कर्कश आवाज से सबको डराता है। काऊ काऊ की आवाज से सबको क्या करता है? डराता रहता है, झपट्टे मारता रहता है, झगड़ा कर
करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। वह क्या करता है, देखिए यहाँ पर कितने सारे कौवे की कंप्लेंट्स हैं, तो उसे क्यों नहीं इनवाइट किया गया है। तो तोता कहता है मैं नहीं बुलाऊंगा उसे, क्योंकि वह क्या है, किसी की मदद नहीं करता। कौवा जो है किसी की मदद नहीं करता, कांव कांव की कर्कश आवाज से सभी को डराता है। जब वह कांव कांव करता है रहता है तो उसकी आवाज से डरते हो ना बच्चों, तो वह तोता कहता है कांव कांव की आवाज सुनाकर सभी को क्या करता रहता है, डराता रहता है, झपट्टे मारता रहता है, झपट्टे मारता रहता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। कर्कश यानी कि रफ, कर्कश रफ। तो यहाँ पर कितने सारे कंप्लेंट से देखिए कौवे के, तो उसे इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगा, इस तरह तोता तोती से कहता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ पर तोता तोती दोनों क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते रहते हैं, सभी पक्षी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन कौवे को इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि कौवा जो है वह किसी की मदद नहीं करता, अपनी कर्कश आवाज से क्या करता है, सभी को डराता रहता है, झपट्टे मारता रहता है, और फिर क्या करता है, सभी से झगड़ा करता रहता है, इसलिए मैं यहाँ उसे अपने जन्मदिन पर इनवाइट नहीं करूंगा। तो तोता इस तरह कहता है, समझ में आ गया बच्चों। तो तोते को तोता क्यों नहीं कौवे को इनवाइट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस पर से हमें क्या सीखनी चाहिए, कौवे जैसा बनना है या बाकी पक्षियों जैसा बनना है, हम क्या करेंगे इसे अंत में देखेंगे। तो आज तक मैंने पार्ट वन पार्ट टू में जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया है उसे समझ में आ गया होगा, और उस पार्ट को क्या करना है बच्चों, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए तोता उसे क्यों नहीं बुलाता और तोता उसे क्यों इनवाइट नहीं करना चाहता, कौवा आगे जाकर क्या करता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तोता फिर उसे क्या करता है, तोती क्या करती है, कौवा कैसे वहां पर फिर आ जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज तक अभी तक जो भी मैंने यहाँ पर तोती का जन्मदिन पार्ट आपको सिखाया है, पढ़ाया है, उसे आपको क्या करना है, रीड करना है और मीनिंग्स को लिख कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्या होता है, इस स्टोरी का अंत हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आशा करती हूँ आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास को हम